प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए और 34 लोग डिस्चार्ज हुए। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 419 है। कल कोविड से एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई। अब तक राज्य में 6,97,503 कोविड टेस्ट किए गए। कल राज्य में कोविड के 7,20,960 डोज लगाई गई। अब तक कुल मिलाकर 5,11,23,307 लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और ये डोज जो है वो पहली डोज दी गई है। इनमें से 94,83,456 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। प्रदेश में 75 में से 17 जिले कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी एक्टिव केस नहीं है। जनपद अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, बलिया, बहराइच, चित्रकूट, देवरिया, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, संत कबीर नगर, शामली और श्रावस्ती में आज कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। इस बीच एक आधिकारिक बयान में ये दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश कोविड 19 वैक्सीन की 6 करोड़ खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बयान के मुताबिक मंगलवार दोपहर तक 5,72,02,629 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज जबकि 94,27,421 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।